हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, CISF और CRPF का एक बेहतरीन और मज़ेदार GK का मॉक टेस्ट चल रहा है। इसका सेट टू है फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट सेट अपलोड कर दिया है। देखा आपने नहीं है तो ज़रूर जाके एक बार विजिट करके देख सकते हो। 50 प्रश्नों का सेट मैं लेके आ रहा हूँ फ्रेंड्स, इस बार पेपर को चीर देना है, इतनी गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स की, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, स्टैंडर्ड लेवल के हैं। आपको क्वेश्चंस में कोई भी डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस को आप देखिए और अपना व्यू और कमेंट ज़रूर पास करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारतीय मानक समय अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इलाहाबाद के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तवा नदी किसकी सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नर्मदा की एक सहायक नदी है तवा नदी। ठीक है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली समुद्रिक नहर कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कील नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पूछा क्या गया है, बेरूत अर्थात बेरूत किस देश की राजधानी है। तो ये लेबनान की एक राजधानी है बेरूत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरोवलास्टिक्स ठीक है क्या होते हैं। तो ये इसका आंसर है फ्रेंड्स, ज्वालामुखी से निकले हुए चट्टाने। अफ्रीका में अश्वान बांध जो है ना, अश्वान डैम किस नदी पर स्थित है। ये तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, नील नदी पर ये स्थित है। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र अर्थात डेड हार्ट ऑफ एरिया कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स, पामीर क्षेत्र को ना डेड हार्ट ऑफ एरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है। तो इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स, सतलज ब्यास से निकाली गई है ये नदी। टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स, नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा जनजाति पाई जाती है। भारतीय मानक समय अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर का समय क्या है। तो 88.2 डिग्री ईस्ट का ये जो है ना देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तेंदू पत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर स्थित है। ये तो चंबल नदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीय केप ऑफ गुड होप की खोज किस नाविक ने की थी। तो आंसर हो जाए फ्रेंड्स, बार्थोलोम्यू डियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अर्थात इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 1884 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर अर्थात स्पेस सिटी के उपनाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बेंगलोर। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मकरान तट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है। तो आंसर फ्रेंड्स, अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम होता है। मुथुवान, मलकुरवान एवं सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो आंसर हो जाए फ्रेंड्स, केरल में पाई जाती है। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है। तो आंसर हो जाए फ्रेंड्स, उत्तर बैसाल्टिक चट्टान। ठीक है, यूराल एवं अल्पेशियंस पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ था। तो आंसर हो जाए फ्रेंड्स, हर्सिनियन भू हलचल के समय हुआ था। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है। तो आंसर हो जाए फ्रेंड्स, कोयला के लिए यह विख्यात है गोंडवाना क्षेत्र। कोयले के मंडार में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो आंसर हो जाए फ्रेंड्स, ये आपका झारखंड हो जाएगा। काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर स्थित है फ्रेंड, तो असम में ये स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है कहाँ पर स्थित है, ये नागपुर में स्थित है। कोयली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तर हो जाएगा आपका पेट्रोल रिफाइनिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं क्या बिहार और नेपाल। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, चिली में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्किना फासो किस देश का नया नाम है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अपर वोल्टा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच स्थित है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तर भागीरथी हो जाएगा तथा अलकनंदा के संगम पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों का के नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तर हो जाएगा आपका कालगुलो तथा कुलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुडापेस्ट बुखारेस्ट वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डेन्यूब नदी के
तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे लंबा बांध विश्व का भी उड़ीसा का हीराकुंड बांध है, यह किस नदी पर है और तथा इसकी लंबाई कितनी है? यह महानदी पर है और इसकी लंबाई 4,800 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्विक सिल्वर के नाम से किस उपधातु को जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पारे मर्क्यूरी को। भारतीय मानक समय अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइप किस स्थान के सामान्य स्थानीय समय को दर्शाता है? तो इलाहाबाद मैंने बताया ऊपर के क्वेश्चन में। तवा नदी किस की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सराजेवो किस देश की राजधानी है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बोसानिया व हर्जेगोविना। नेक्स्ट, क्यूरोशिवो कैसी जलधारा है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गर्म जलधारा है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पिरेनीज पर्वत। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर पूर्व दिशा में। प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबनान की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बैरूत। यूर्ट किस प्रजाति का घर है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स खिरगिज का घर है। बैरिंग जलमंडलू मध्य किस देशों को अलग करता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अलास्का तथा रूस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पुर्तगाली। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। भारत का केंद्र तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये तो आपका राजमुंदरी में स्थित है। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रूस और जापान के बीच। कौन सा शहर पूर्व की मोती के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जलमंडलू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत और श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखापट्टनम एवं कोयली गुजरात में तेल शोधन शालाओं की स्थापना वर्ष कितनी है? तो 1957 से लेकर 1965 क्रमशः। भारत में राजस्थान के लिए के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गंगानगर। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का कार निर्माण भारत में होता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 35%। किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हुए हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमें कमेंट जरूर करिए। महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूरोप। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जापान। भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अलकनंदा और पिंडार। तो कैसे लगे वीडियो फ्रेंड्स हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और इसका PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा। जब भी आप CIFSF और CRPF के एग्ज़ाम देने जाओगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार जरूर एनालिसिस और वीडियो को देख के जाना जरूरी है, ताकि आपके माइंड में कोई भी आशंका ना रहे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेट्स में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।